और दूसरी तरफ ये आइन तोड़ने के ऊपर आ गए हैं क्योंकि उनको पता है वो अवाम का सामना नहीं कर सकते। अब अवाम ने कोई फैसला करना है वो तो अपना फैसला कर बैठे, लेकिन अवाम ने फैसला, लेकिन पूरे मुल्क की नजरें चीफ जस्टिस के फैसले पर लगी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है जी, और चीफ जस्टिस ने अभी तक आइन की हुक्मरानी के लिए बड़े अच्छे फैसले किए और हमें उम्मीद है इसी तरीके से आज भी जो फैसला आएगा ये वो देखिए कल आता है। उमर साहब सर ये बताएं कि कल जो रैली निकाली गई है उस हवाले से आपकी आज मीटिंग भी हुई है, उस हवाले से बताएं कि कल क्या इंतजामात हैं और इजाजत जो है वो डीसी की जानिब से मिल गई है, खान साहब ने क्या टास्क दिया मीटिंग में आपको? देखिए इंशाल्लाह ताला कल सारे पाकिस्तान में आप देखेंगे, सिर्फ लाहौर में नहीं, लाहौर में जाहिर है खान साहब खुद रैली लीड करेंगे तो सबसे ज्यादा आवाम तो इधर निकलेगी, लेकिन उसके अलावा अभी सारे पाकिस्तान में आप देखेंगे। वो एक तारीखी कल आप इज्तिमा देखने जा रहे हैं कि लोग जो है वो खुद अपने हक के लिए, अपने आइन के दिफा के लिए, आइन है क्या ये, आइन वो कागज है, वो दस्तावेज है जिससे सारे मुझे हकूक मिलते हैं, मेरी हक कलाल की रोजी कमाने का हक वहां से आता है, मुझे अपनी मर्जी की सियासी पार्टी को वोट डालना है नहीं डालना, मैं गिरफ्तारी कोई ना हक ना मेरी की जाए, मेरा कोई हक ना छीना जाए, ये तमाम उस आइन से आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है अगर वो आइन का दिफा कर रहे हैं तो वो आपका और मेरा दिफा कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो कल निकले, खान साहब की कॉल पे हमेशा निकलते हैं इंशाल्लाह ताला कल भी। मई को लेकिन इतनी आवाम निकलने के बावजूद इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं लाइन हमारी आ रही है कि कोई बात मानी भी नहीं जा रही खान साहब की ना आवाम की, तो क्या कहेंगे आप? देखिए आज देखिए चीफ जस्टिस क्या फैसला करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा उन्होंने बिल्कुल आइन के मुताबिक बड़े अच्छे तगड़े फैसले सुकून से, उनको बहुत जलील करने की कोशिश की गई, दुनिया भर का प्रोपेगेंडा किया गया जजेस के खिलाफ, लेकिन वो गुस्से में नहीं आए, वो सिर्फ आईन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। तो कहा कि सियासी मामलों को इंशाअल्लाह ताला उसको मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे।